नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आएगी तेजी और किस में आएगी मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार में भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, जीरा, सेब, ग्वार, मक्का और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करेंगे हम आज की सुर्खियों के साथ। कावी मंडी में 200 रुपए उछलकर 6,800 रुपए पर हुए कपास के सौदे। सावरकुंडला मंडी में आई 427 रुपए की गिरावट। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत में आज हम कपास के बारे में बात करेंगे। घरेलू स्तर पर इस साल कपास की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं बात भाव की करें तो गुरुवार को जम्बूसर और कावी मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए हैं, जबकि सावरकुंडला मंडी की बात करें तो इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए कपास पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 24 अप्रैल को कपास का भाव रहा 6,600 रुपये। 25 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं कावी मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 अप्रैल को कपास का भाव था 6,600 रुपए, 25 अप्रैल को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 6,800 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 24 अप्रैल को कपास का भाव रहा 7,130 रुपये, 25 अप्रैल को इसके सौदों में 427 रुपये की भारी गिरावट आई और भाव 6,703 रुपये पर आ गया। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो चलिए अब रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुक करते हैं। अनुज गुप्ता जी, जो मौजूदा संकेत देखने को मिल रहे हैं कपास को लेकर, आने वाले समय में बाजार इसका किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? कपास की अगर बात करें तो कपास के बाज़ार में इस बार हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। हालांकि वैश्विक बाज़ार में हमने भावों में तेज़ी आते हुए देखी है। भारत के अंदर इस बार पैदावार कपास की कम देखने को मिली है, जिसका असर भावों पे रहा है, और हमने देखा है कि भावों में एक उछाल बनते हुए दिखाई दिया है। पिछले कुछ दिनों में कपास के भावों में हमने तेज़ी लौटती हुई देखी है। वैश्विक स्तर पर भी भावों में तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। जिन किसान भाइयों के पास कपास का स्टॉक है इस समय, उनके लिए क्या रणनीति की सलाह देंगे आप? कपास के किसानों को सलाह है कि उनको कपास को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पैदावार कम दिख रही है और डिमांड बढ़ सकती है, तो लग रहा है कि आगे चलकर भावों में तेजी का अनुमान आ सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हैं, और कपास के जो किसान हैं अगर उनके पास थोड़ा सा समय रुकने का है तो आप रुक सकते हैं। आने वाले समय में आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल अनुज जी हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख कर लेते हैं। राजकोट मंडी में 450 रुपए गिरा तिल का भाव। धोराजी मंडी में 12,255 रुपए पर बिका तिल। मक्का की पैदावार 324 लाख टन के पार। उदयपुर मंडी में 2,350 रुपए पर रहा मक्के का भाव।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तिल के बारे में। गुरुवार को तिल के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित देखने को मिल रही है। बता दें कि घरेलू स्तर पर रबी और खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। तिल का बाजार भाव कैसा रहेगा, इस पर आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। कृषि उपज मंडियों में 25 अप्रैल को तिल की आवक सीमित देखने को मिली। बात भाव की करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में उठा पटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 24 अप्रैल को सफेद तिल का भाव रहा 12,255 रुपये। 25 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 12,255 रुपये पर बरकरार रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 अप्रैल को काले तिल का भाव था 13,978 रुपये। 25 अप्रैल को इसके सौदे 450 रुपये लुढ़क कर 13,528 रुपये पर हुए। वहीं राजकोट मंडी में सफ़ेद तिल के भाव में उछाल देखने को मिला। यहां बीते बुधवार को सफ़ेद तिल का भाव रहा 12,650 रुपये। गुरुवार को इसके सौदों में 428 रुपये का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 13,078 रुपये प्रति क्विंटल पर। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ दो ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें अरंडी भी शामिल है और इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3.96 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3.92 लाख टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो तिल के उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनका रुख करेंगे। अनुज गुप्ता जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत हैं तिल को लेकर, आने वाले दिनों में उसका बाजार का रुख किस तरफ जा सकता है? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाज़ार में मिला जुला कारोबार देखा है। हालांकि हमने देखा है कि इस बार अराइवल कुछ कम होती हुई दिखाई दी है और डिमांड भी कोई खास देखने को नहीं मिली है। अगर हम ओवरऑल देखें तो भावों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, आवक भी सीमित दायरे की बनती हुई दिखाई दे रही है जी। इसके साथ ही अनुज जी, अगर हम किसानों के लिए बात करें तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे जिनके पास स्टॉक है तिल का? तिल के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि यहाँ पे डिमांड का असर कम देखने को मिल सकता है। लगता है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे और ज़्यादा तेजी मंदी यहाँ पे देखने को नहीं लग रही है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले टाइम में भावों में सीमित दायरे का ही कारोबार देखा जा सकता है जी। तो अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हैं, उनके अनुसार हमारे किसान भाई मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। अनुज जी का फिर से रुख करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अरंडी का बाजार भाव कैसा रहा। बात करें गुजरात की तो गुजरात की जंबूसर मंडी पर नजर डालें तो वहां पर अरंडी का भाव रहा
5,600 रुपए प्रति क्विंटल। और सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहां पर अरंडी के सौदे 4,975 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 4,975 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अरंडी के सभी सौदे मंडी में आवक और उसकी गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। ये हुई अरंडी के भाव की बात। अब यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जीरे की और सेब की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि, हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत, आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल, किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के सिलसिले में हम जानेंगे अब सेब के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जीरे के बाजार भाव पर। इन दिनों मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सावरकुंडला मंडी में गुरुवार को जीरे का भाव 18,275 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान यहां पर जीरे के सौदे 23,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-2023 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। चलिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो जीरे का बाजार भाव आगे किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जीरे की अगर बात करें तो जीरे में हमने हालांकि काफ़ी उठापटक होती हुई देखी है। हमने देखा था कि उच्चतम स्तर भी यहाँ पे आते हुए देखे थे, और अब देखें तो भावों में एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। नई क्रॉप की आवक आती हुई दिखाई दी और उसका असर भावों पे रहा है। इस बार हमने बम्पर क्रॉप अगेन जीरा में होती हुई देखी है, जिसका असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने भावों में गिरावट आती हुई देखी है, और मंडियों के अंदर भी भावों में गिरावट का रुख बना हुआ है। नई क्रॉप की आवक और पैदावार की वजह से भावों में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। बट है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है आपको, क्या देंगे, क्या रणनीति उनके लिए रहनी चाहिए? जीरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। नई क्रॉप की आवक का असर भावों पे रहेगा और उसका असर भावों पे आ सकता है। हालांकि डिमांड भी यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर बताई जा रही है, और जिस तरीके से आवक बढ़ी है, नई क्रॉप की आवक बढ़ रही है, लग रहा है कि आगे चल के भावों में नरमी रह सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास जीरे का इस समय स्टॉक है उनको यही सलाह हमारे अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार दे रहे हैं कि आपको बाजार को मंडी लेके जाना चाहिए, बाजार पर पहुंचकर अपनी आप जो क्रॉप है उसको सेल करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल अनुज गुप्ता जी से आगे भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मूंगफली का बाजार भाव
कैसा रहा। बात करते हैं गुजरात की सावरकुंडला मंडी की, तो यहाँ पर मूंगफली का भाव 5,288 रुपये प्रति क्विंटल मूंगफली का भाव रहा। और बात अगर हम धोराजी मंडी की करें तो यहाँ पर मूंगफली के सौदे 5,630 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और मंगलोर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली के सौदे 6,940 रुपये पर हुए हैं। जबकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली के सौदे 7,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि मूंगफली के सभी सौदे उनकी आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात कर लेते हैं सेब के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है। जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज की बात करें तो इस बीते साल 22,76,000 टन हुई थी। वहीं फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी है। एग मार्केट के मुताबिक बात करें तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का जो भाव रहा, सेब का भाव वहां पर 7,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम मंडी का आपको सेब का भाव बता रहे हैं। और बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव 15,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं अगर पंजाब चलें तो पंजाब की खन्ना मंडी में सेब के सौदे 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बदायूं मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,425 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9,00,000 टन के पार पहुंच गया है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार भाव पर। फिर से सोयाबीन का बाजार भाव कैसा रहा इस पर नजर डालते हैं। गुजरात की धोराजी मंडी की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन का जो सौदा रहा वो 4,355 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा है। इसके साथ ही अगर हम वेरावल मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो सोयाबीन के सौदे रहे हैं, वेरावल मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,230 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में यानी कि कुक्षी मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,300 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे हैं। और हरदा मंडी की बात करें तो हरदा मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि सोयाबीन के ये सभी सौदे मंडी में उसकी आवक और उसकी गुणवत्ता कैसी रही इस पर निर्भर कर रहा है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम जानेंगे ग्वार और मक्के का हाल। तब तक हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में अब हम बात करेंगे मक्के के बारे में। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्के की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्के का भाव रहा 2,000 रुपये प्रति क्विंटल। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कुश्तगी मंडी में मक्के का भाव रहा 2,050 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं अगर मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्के के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। और जबकि राजस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उदयपुर मंडी में इस दौरान मक्के के सौदे 2,350 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324.70 लाख टन होने का अनुमान
जताया गया है, जो कि पिछले साल की 380.85 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो मक्के का बाजार भाव आगे किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने भावों में एक मिलाजुला कारोबार आते हुए देखा है। वैश्विक स्तर पर भी मक्के के बाजार में मिलाजुला कारोबार रहा है जी। कहीं ना कहीं देखें तो मक्के की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमने देखा है कि घरेलू स्तर पर और वैश्विक स्तर पर भावों में निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड का असर भावों पर रहा है और हमने भावों में एक छुटपुट खरीदारी होती हुई देखी है जी। इस खरीदारी के साथ किसानों के लिए आप क्या सलाह देंगे? किसान कब तक मंडियों का रुख करें? जिनके पास स्टॉक है मक्के का, वो उनके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए? मक्के किसानों को सलाह है कि अगर उनका लंबी अवधि का व्यू है तो उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में डिमांड का असर भावों पे रहेगा और भावों में ऊपर के लेवल आ सकते हैं। हालांकि छोटी अवधि में भाव मिले जुले रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में लगता है कि भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं जी। तो अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हैं, उनके अनुसार जो किसान भाई जिनके पास मक्के का स्टॉक है वो थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुड़ का बाजार भाव कैसा रहा। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी का। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गुड़ का भाव 3,540 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं हरगांव मंडी की बात करें तो यहां पर गुड़ के सौदे 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आनंद नगर मंडी की बात करें तो यहां पर गुड़ के सौदे 3,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए और राजस्थान के उदयपुर मंडी पर नजर डालें तो यहां पर गुड़ के सौदे 3,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि गुड़ के ये सभी सौदे मंडी में गुड़ की आवक और गुड़ की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता रहा है। आगे बढ़ते हैं, हल्दी का बाजार भाव कैसा रहा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव 10,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे और इसके साथ ही अगर फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करें तो इसका भाव यहाँ पर 13,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा है। जबकि पेरंदुरई मंडी की बात करें तो इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी 13,890 रुपये पर बिकी, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करें तो इसके सौदे 14,859 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि हल्दी के सभी भाव हल्दी की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। ये हुई हल्दी के बाजार भाव की बात। आगे बढ़ते हैं और आखिर में हम बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार की आवक इन दिनों मंडियों में सीमित देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,050 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार का भाव 5,050 रुपये रहा और जबकि राज्य की ही अगर जोधपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान ग्वार के सौदे यहाँ पर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं अगर भारत की विश्व स्तर पर बात करें तो यहाँ भारत ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक के रूप में है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात भी करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,50,584 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज गुप्ता जी। जिस तरीके से मौजूदा संकेत हैं ग्वार को लेकर, आने वाले समय में ग्वार का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है?
ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के बाजार में अराइवल का प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमने इस बार अच्छी क्रॉप ग्वार में होती हुई देखी है और देखा है कि ग्वार के बाजार में आवक जो है वो कंटिन्यूस बनी हुई है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव सीमित दायरे में है, हालांकि ऊपरी स्तरों से वहां पर हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। आवक का असर भावों पर रहा है और भावों में ऊपरी स्तरों पर हमने एक नरमी का रुख आते हुए देखा है। लेकिन इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह है, जिन किसान भाइयों के पास अभी भी स्टॉक है ग्वार का, वो कब तक मंडियों का रुख करें, क्या रणनीति उनके लिए आप बताएंगे? ग्वार के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है और आगे जिस तरीके से मानसून का अनुमान लग रहा है कि आगे लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि भावों में अभी फिलहाल अभी नरमी का रुख देखने को मिल रहा है और आगे चलकर भावों में और गिरावट देखी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के अनुसार अगर आपके पास ग्वार का स्टॉक है तो आप बाजार में जाके अपनी बिकवाली करके चल सकते हैं। यही राय अनुज गुप्ता जी की। अनुज गुप्ता जी, जो आपने कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए साझा किया और कृषि जींसों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंडी खबर में। आज हमने इन तमाम कृषि जींसों पर आपके साथ भाव के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। उम्मीद है कि इन सभी जानकारियों से आपको सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिलेगी। अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करेंगे आप तो DD किसान की YouTube चैनल पर पहुँच जाएंगे और मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठ कर आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी मंडी खबर के कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिंसों के भाव लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।